नमस्कार, आप देख रहे हैं सारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रिति। लाख टके का सवाल इस बार के चुनाव में ये है कि बीजेपी के नेतृत्व में क्या इस बार सत्तारूढ़ एनडीए 400 सीटों के आंकड़ों को पार करेगा। यानी इस फिगर पर बात करने वाले ये मानकर चल रहे हैं कि बीजेपी आसानी से तीसरी बार सत्ता में आ जाएगी और लगातार तीसरी बार सत्ता में आने का पंडित नेहरू के रिकॉर्ड की पीएम नरेंद्र मोदी बराबरी कर लेंगे। इसके विपरीत ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या बीजेपी अपने 2019 के 303 सीट तक पहुंचने के अपने ही रिकॉर्ड की बराबरी भी कर पाएगा या उससे भी कम होकर वो सिमट जाएगी। राजनीतिक पंडितों की इन चर्चाओं का कारण ये चार राज्य हैं जहां के नतीजे 4 जून को बीजेपी के भाग्य का फैसला करेंगे। कई विश्लेषकों के मुताबिक बिहार, बंगाल, उड़ीसा और महाराष्ट्र के पास ही इस बार सत्ता की कुंजी है। अन्य राज्यों में पिछली बार बीजेपी अधिकतम सीटों के साथ पिछली बार ही सैचुरेशन पर पहुंच चुकी है और उससे अधिक सीटें इस बार जीती नहीं जा सकती, या ऐसे राज्य भी हैं जहां पार्टी का कोई बहुत ज्यादा जनाधार नहीं है। कहने का आशय है कि बीजेपी के पिछले प्रदर्शन को यदि कसौटी माना जाए तो इन चार राज्यों में उसको चुनौती मिलती दिख रही है और इन चारों ही राज्यों में कांग्रेस सत्ता में नहीं है, तो इसका क्या मायने बनता है? बीजेपी के सामने असली चुनौती उन राज्यों से है जहां क्षेत्रीय कब्जा है या वहां की सियासत में उलटफेर हालिया वर्षों में होते रहे। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और महाराष्ट्र ऐसे ही राज्य हैं। इन राज्यों की 151 लोकसभा सीटें हैं जहां से बीजेपी को सीधे चुनौती मिलती दिख रही है। बिहार में बीजेपी के सामने अपने पुराने प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 54% वोट शेयर के साथ एनडीए को 40 में से 39 सीटें मिली थी, लेकिन उसके बाद बिहार की सियासत में बहुत उलटफेर हो चुका है। नीतीश कुमार का राजद के साथ जाना और फिर एनडीए खेमे में वापस आने से विश्वसनीयता का सवाल तो खड़ा ही हुआ है, साथ ही वोटर कंफ्यूज भी हो गया है। नतीजन जेडीयू के अति पिछड़ा वोट बैंक के छिटकने का खतरा भी बढ़ गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बिहार के कुल 7,64,00,000 मतदाताओं में से 1,60,00,000 वोटर युवा हैं, यानी कि 20 साल से 29 आयु वर्ग के हैं, और रोजगार का संकट सबसे बड़ा मुद्दा है। विश्लेषकों के मुताबिक इन कारणों से ही बीजेपी को अपने पिछले प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती है। इसलिए ही कहा जा रहा है कि पटना में पीएम नरेंद्र मोदी को रोड शो करना पड़ा ताकि पिछले प्रदर्शन को बरकरार रखा जाए, या नहीं तो बड़ी क्षति हो सकती है। पिछले लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने राज्य की 42 लोकसभा सीटों में से 18 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। ममता बनर्जी की सत्तारूढ़ टीएमसी को 22 सीटें मिली। उसके बाद से ही बीजेपी ने लगातार इस राज्य पर फोकस किया है। पीएम मोदी ने भी हालिया के इंटरव्यू में कहा था कि बंगाल में इस बार बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा होगा। विश्लेषकों के मुताबिक भी बीजेपी की ये रणनीति है कि अन्य राज्यों में होने वाले नुकसान की भरपाई बंगाल से ही की जाए, लेकिन सीएम ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी को किसी भी मायने में हल्का नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि तमाम प्रयास करने के बावजूद बीजेपी ममता बनर्जी को लगातार तीसरी बार 2021 में सत्ता में आने से रोक ही नहीं सकी। लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी और राज्य में नवीन पटनायक के सत्तारूढ़ बीजू जनता दल ने गठबंधन करने का प्रयास किया है, लेकिन सफल नहीं होने के कारण एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। उड़ीसा में 21 लोकसभा सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी को उनमें से 8 और बीजेडी को 12 मिली थी। इस बार बीजेपी का लक्ष्य यहां पर 15 से भी अधिक सीटें जीतने का है, लेकिन उसके सामने नवीन पटनायक के करिश्माई नेतृत्व की भी चुनौती है और इस वक्त नवीन बाबू देश में लगातार सबसे अधिक समय तक सीएम रहने वाले दूसरे मुख्यमंत्री हैं। राज्य में लोकसभा के साथ विधानसभा के भी चुनाव हो रहे हैं और यदि वो जीतते हैं तो सबसे अधिक समय तक सीएम रहने का वो रिकॉर्ड बनाएंगे। उनकी वेलफेयर स्कीमों और आपदा राहत कार्यों के मैनेजमेंट ने उनको बहुत लोकप्रिय बनाया है। पिछली बार बीजेपी शिवसेना के नेतृत्व में एनडीए को 48 में से 41 सीटें मिली थी। उसके बाद ये सियासी हालात वहां पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं। वहां की दो मुख्य क्षेत्रीय पार्टियां शिवसेना और एनसीपी में विभाजन हो चुका है और बगावती धड़ा बीजेपी के साथ सूबे की सत्ता पर काबिज है। इस सूबे में हालिया वर्षों में इतने बड़े सियासी उलटफेर हो चुके हैं कि अब की बार ऊंट किस करवट बैठेगा ये किसी को पता नहीं है। बीजेपी के सामने इस राज्यों में पिछला प्रदर्शन दोहराने की सबसे बड़ी और कठिन चुनौती है। आखिर फैसला तो 4 जून को ही होगा, लेकिन तब तक के लिए कयासों का दौर जारी है, विश्लेषकों के समीकरण चल रहे हैं और देखना बस ये है कि तब तक के लिए किसकी साख दांव पर है।
तो ऐसे ही खबरों के लिए और अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।